तो अगर आपको कैमरा के सामने बोलने में प्रॉब्लम आती है तो आज आपका सारा डर खत्म होने वाला है। अगर आप कैमरे के सामने बोलते हुए अटकते हो, कभी कुछ भूल जाते हो और कभी कुछ, तो आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। आप एक नोटबुक लो और आपकी वीडियो का जो भी टॉपिक है उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। सपोज आप वीडियो में 5 ट्रिक बता रहे हो तो उन 5 ट्रिक को डिटेल में लिख लीजिए। वर्ड टू वर्ड आप स्क्रिप्ट कर सकते हो, इससे आप कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हमें ये बोलना है बट हम भूल जाते हैं, वो इसलिए बिकॉज हम अच्छे से स्क्रिप्ट नहीं कर पाते। तो आपके लिए पहला पॉइंट यही है कि आपको स्क्रिप्टिंग सही तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपनी YouTube वीडियो आउटडोर में शूट करते हो और लोग आपको देखते हैं, तो जब लोग आपको देखते हैं आपको शर्म आती है। आपको मैं एक टिप देता हूँ, जब आप कैमरा लेकर बाहर निकलते हो तो आपको लोगों की तरफ नहीं देखना है। अगर आप अपने मोबाइल से शूट करते हो फ्रंट कैमरा से, अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो आपको पीछे पब्लिक दिखेगी और आप लोग वीडियो को शूट नहीं कर पाओगे। अगर आपकी नजर कैमरा की साइड रहेगी तो आपका आई कॉन्टेक्ट भी अच्छा बना रहेगा, लोगों को देखने में भी मजा आएगा और आपको स्क्रीन में पब्लिक भी नहीं दिखेगी। चलो ये तो व्लॉगर के लिए था। अब आपको अगर घर में भी वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम आती है तो भाई आपको एक ही बात बताऊंगा, अगर आपको वीडियो शूट करते हुए कोई देखता है या आपको ये डर रहता है कि यार कोई आना जाए, मेरे को एक बात बताओ, आपने YouTube चैनल क्यों शुरू किया था, वीडियोस बनाना क्यों शुरू किया था, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। तो अगर आपको अपना काम करने में शर्म आ रही है तो भाई कैसे चलेगा काम। 2017 की बात है भाई, देख लो मेरे को, मैं 2-3 बंदों के सामने वीडियो शूट करता था स्टार्टिंग में। एक बंदे ने कैमरा पकड़ लिया और एक साइड से देखता रहता था और ऊपर से छत से भी लोग देखते रहते थे, अड़ोसी पड़ोसी खड़ोसी। कैमरे को देखकर घबराओ मत, आप कर सकते हो। खुद को बोलो कि हां मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप अपने कैमरा से या फिर मोबाइल से वीडियो को शूट कर रहे हो तो कोई आ जाता है तो भागो मत, कैमरा बंद मत करो, उसको बोलो कि भाई ये तो बाहर चला जा या फिर साइड में बैठ जा, मेरे को वीडियो शूट करना है। और आप लोग कर सकते हो। अगर वो आपको देखकर हंस रहा है तो उसको 1 सेकंड से पहले बोल दीजिए कि भाई बाहर चल। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर पॉसिबल है तो रात को अपनी वीडियो को शूट करें, ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप दिन में 1 घंटा खुद को दे सको सिर्फ कोशिश करने के लिए, आपको मोबाइल का कैमरा ओपन करना है और आपको खुद से बातें करनी, आप एक लाइन को 10 से 15 बार रिपीट करो। गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से YouTube पर चैनल क्रिएट कर सकते हो, या आपको जो भी बोलना है उसको 15 से 20 बार बोलो और बोलते रहो। आपको कोई देख रहा है भाई देखने दो, किसी के देखने से कुछ भी नहीं होता है भाई, वो देखकर हंस भी रहा है तो हंसने दो ना यार, वो हंसेगा ही तो। बाय द वे स्टार्टिंग में ये सब होता है और जब आप थोड़े से आगे बढ़ जाते हो तो फिर आपको कोई भी देखे आपको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बार दिल्ली में व्लॉग शूट कर रहा था और मेरे को इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी, तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं अकेला वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरे को कोई नहीं देख रहा। जब आप कैमरे के सामने कुछ भी पॉइंट बोलते हो तो ये मत सोचो कि ये कैमरा रखा है, आप ये सोचो कि मैं किसी से बात कर रहा हूं, उसको कुछ समझा रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही बात करो जैसे आप नॉर्मली अपने दोस्तों से बात करते हो। दोस्तों के सामने तो बहुत बक बक करते हो और कैमरे के सामने आते ही फुस हो जाते हो। आप अपनी वीडियो में जो भी इंट्रो देते हो अपने इंट्रो को 20 से 30 बार बोलो, जिससे कि आप और ज्यादा परफेक्ट तरीके से बोल पाओ। अगर आप ये सोचते हो कि एक बार में मैं कंप्लीट वीडियो को शूट कर लूंगा तो पॉसिबल नहीं है, और अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में होता नहीं है, बहुत ज्यादा रिटेक लेने पड़ते हैं और जब आप रिटेक लोगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो ये वीडियो एक ही बार में बना दिया। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता है, मैं भी बहुत ज्यादा रिटेक लेता हूं और अभी भी लेता हूं। जब आप अपनी वीडियो को शूट करके अपलोड भी कर दोगे तो आपके दोस्त भी आपको देख देख कर हंसेंगे, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, हंसने दो, आपके ही तो दोस्त हैं। अगर आपका भी टेक चैनल है तो आप कैमरा की साइड देखकर बात क्या करो, अगर आप इधर साइड में देखोगे, इधर थोड़ा सा इधर देखोगे या इधर देखोगे तो आपका आई कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा और जो व्यूअर है उसको देखने में भी मजा नहीं आएगा। तो आज से आप ठान लीजिए कि जब भी वीडियो को शूट करने जाओगे एक बार में कंप्लीट शूट करके ही वापस आओगे, आपको कोई भी देखे आपको शर्माना नहीं है। लड़की हो क्या यार तुम? बाय द वे यूट्यूब पर वीडियोस देखना लड़कियां भी पब्लिक प्लेस में खड़ी होकर बोल लेती हैं, तो यार आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अब आप में से काफी लोग तो इसलिए परेशान हो जाते हैं, वीडियो को बनाने के बाद शूट करने के बाद एडिट करते हैं बट उसके बाद भी रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता, तो आप टेंशन किस चीज की ले रहे हो? मैंने आपको बताया हुआ है कि वीडियो को SEO करके कैसे अपलोड करते हैं जिससे कि आपकी वीडियो पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। साइड में आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा, वीडियो पर क्लिक करो और वीडियो को एंड तक देख लेना। वैसे तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया इस वीडियो पर और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अगर आपको कैमरे के सामने बोलने सामने बाय द वे अगर आप पिक्चर को बना ले तो आपके लिए पहला पॉइंट यही है।